उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। ये जनसभा खास इसलिए थी क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव का यहीं से शंखनाद हो गया है। मेरठ की ये विजय संकल्प रैली बहुत खास थी, इसलिए भाजपा के नेताओं ने इसकी तैयारी के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। हालांकि ये रैली बहुत सारे मामलों में बहुत खास नहीं दिखी। मोदी की रैली में आम तौर पर लोगों का जो उत्साह और जोश देखने को मिलता है और जिस तरह से मोदी मोदी के नारे लगते हैं, वो भी यहाँ उस हिसाब से देखने को नहीं मिला। इस रैली में बहुत सारी कुर्सियाँ खाली देखने को मिली, खासकर स्टेज के सामने वाला रो हो या फिर बहुत पीछे का हिस्सा, बहुत सारी कुर्सियों पर लोग बैठे हुए नजर नहीं आए। नज़ारा ऐसा था कि बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान ही बाहर जाते हुए दिखाई दिए। इस रैली में साफ दिख रहा था कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। कई ऐसे लोग हैं जो मोदी को सुनने तो आए हैं लेकिन वोटर किसी और पार्टी के दिखे। किसको वोट देते हैं? उसे देते हैं मायावती को। शायद बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी का चेहरा देखने के लिए आए थे। क्या करते हैं प्रदीप जी? जी मैं सब्जी बेचता हूँ। सब्जी कहाँ बेचते हैं? ये मेरठ में बेचता हूँ। कितना कमाते हैं दिन भर में? दिन भर 500 रुपए। 500 रुपए गया आज का? हाँ जी आज गया। तो यहाँ पे क्या करने आए हैं आप? मोदी जी को देखने आया। सिर्फ देखने आए हैं? या फिर कुछ लोग हेलीकॉप्टर की आवाजें सुनकर उसे अपनी आंखों से देखने आए थे। और कुछ लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ मुद्दों की बात करेंगे। सर ये कुछ मुद्दे उठाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट पर बात होनी चाहिए क्योंकि ये सारे काम नरेंद्र मोदी सरकार से पहले भी हो चुके हैं लेकिन उनको इस तरह से उछाला नहीं गया। अब इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोज किया जा रहा है गवर्नमेंट के लिए लेकिन बेसिक मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है। जो डेवलपमेंट के मुद्दे उन पर बात ही नहीं की जा रही है। ये सारा क्रेडिट साइंटिस्ट आर्मी का है लेकिन उनका नहीं है। आम लोगों से जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे लेकिन पीएम मोदी ने वही सर्जिकल स्ट्राइक, वही पाकिस्तान को जवाब और गठबंधन पर तंज करते हुए शराब बना दिया। सपा का सा, आरएलडी का रा और बसपा का ब, मतलब शराब। बहुत सारे लोगों को निराशा तब हाथ लगी जब उनके कपड़े उतरवा दिए गए और इसकी वजह थी कि उन्होंने काली ड्रेस पहनी हुई थी। माइक के सामने लोग अपने गुस्से का इजहार भी करते नजर आए। कहता हूँ मेरी शर्ट खोएगी कोई बात नहीं, पर जो देश में इस टाइम राज चल रहा है ना मोदी योगी जी का, वो कभी नहीं आने का, बस बात ये कहना चाहते हैं। लेकिन एक लम्हा ऐसा भी आया जब एक शख्स को ये एहसास हुआ कि उसके आसपास भाजपा के कार्यकर्ता और नेता पहुंच गए हैं तो उसने फौरन अपनी बात बदल दी। जो राज चल रहा है वो चलना चाहिए हमेशा, बस जो सरकार चल रही है वो चलनी चाहिए। हम अपने एमपी विधायक सांसदों से कहते हैं कि शहर का विकास करें, हमें बस ये दोनों बैठे हैं ऊपर विकास करने के लिए पूरा भरपूर पैसा भेज रहे हैं। मेरठ की ये रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी पहली रैली थी। अब उनकी रैलियों की शुरुआत हो गई है। अब उनका हेलीकॉप्टर देश भर में घूमेगा, प्रधानमंत्री भाषण देंगे और इसी तरह के अलग अलग नज़ारे लोकसभा चुनाव तक आपको देखने और सुनने को मिलते रहेंगे। इस रैली में बहुत सारे ऐसे लोग भी दिखे जो विपक्षी पार्टियों के नेताओं को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए नजर आए। एक मिनट अब रुकिए, आप क्या नाम है? आप मुकेश त्यागी। त्यागी जी आप फिर वही गंदा नारा लगा रहे हैं। गठबंधन गठबंधन भारत में प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में गठबंधन भी होता है और पार्टियां अलग भी चुनाव लड़ती हैं। आप गाली क्यों दे रहे हैं? चोर इकट्ठे हो रहे हैं, बेईमान इकट्ठे हो रहे हैं। आप उनको चोर कहिए, बेईमान कहिए, गाली क्यों दे रहे हैं? न्यूज़ क्लिक के लिए मेरठ से तारिक अनवर और अगस्टिन लूथर की रिपोर्ट।